मैं समझता हूँ कि दिल्ली की लेडी सिंघम है। नमस्कार, भारतिका में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज बात फिर एक बार अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल के प्रकरण की। विभव कुमार अब गिरफ्तार हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने उनको सीएम हाउस से गिरफ्तार किया। कई सवाल सामने खड़े हो रहे हैं। आतिशी मार्लेना ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक वीडियो का एक और हिस्सा जारी किया। एक वीडियो का हिस्सा कल जारी हुआ था, जिसमें यह दिखाया गया था कि वो सोफे पे बैठकर पुलिस वालों के साथ बात कर रही है, बहस कर रही है। पुलिस वाले उनके साथ कह रहे हैं कि आप बाहर जाइए, वो कह रही है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी। आज पुलिस वाले उनको बाहर लेकर जा रहे हैं। ये वीडियो का हिस्सा आज जारी हुआ। जब आतिशी मार्लेना ये जारी कर ही रही है वीडियो और सीसीटीवी के फुटेज ही जारी कर रही है, तो पूरी फुटेज जारी कर देती ना। ये 30 सेकंड, एक मिनट, डेढ़ मिनट के वीडियो से क्या साबित होता है? ये पूरा वीडियो जो भी है, 3-4-5 मिनट का या 10 मिनट का या 15 मिनट का जो भी प्रकरण होगा, सारे सीसीटीवी में कैद होंगे। उसको जारी कर दीजिए, पब्लिक समझ जाएगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 2013 में आम आदमी पार्टी के खिलाफ जब हमने एक खोजी पत्रकारिता के तहत एक्सटिंग ऑपरेशन किया था और उनके भेद खोले थे, उस वक्त जो सवाल खड़े हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी और उसके सारे जो कुनबे के लोग थे, जो भी उनके चट्टे बट्टे थे, सब लोगों ने कहा था कि पूरी की पूरी फुटेज जारी करो। हमने पूरी फुटेज चुनाव आयोग को सौंपी थी और चुनाव आयोग से इन लोगों ने ली थी। और उसके बाद की पूरी कहानी आप लोग जानते हैं। हम भी वही कह रहे हैं कि भाई आप पूरी की पूरी फुटेज जारी कर दीजिए। पूरी फुटेज में जो चीजें बात होंगी वो सामने आ जाएंगी। आप अगर सही होंगे तो आपकी बात होगी, अगर स्वाति मालीवाल सही होंगी तो उनकी बात सामने आएगी। अपने हिस्से का, अपने काम का फुटेज जारी करने का क्या मतलब है? खैर, सवाल ये उठता है कि क्या विभव कुमार ने या उनके साथ जो लोग थे या पुलिस वाले जो भी हैं, आरोप विभव कुमार पे है, तो क्या विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को पीटा? मेडिकल रिपोर्ट बाहर आ गई है और पुलिस ने जो गिरफ्तार किया विभव को, इस रिपोर्ट के आने के बाद किया है। रिपोर्ट में यह साबित हुआ है कि आंख के नीचे चोट के निशान है और पैर पर चोट के निशान है, और बाकी सब चीजों पर जो भी उनके आरोप हैं उस पर और भी आगे जांच जारी है। सवाल ये उठता है कि चोट के निशान हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, हाथापाई हुई हो, मारपीट हुआ हो, जो कुछ भी हुआ हो। अब मैं ये बात इसलिए आपको आज कह रहा हूं कि गिरफ्तार हो गए विभव कुमार, जो एक बहुत बड़े राजदार हैं अरविंद केजरीवाल के, और अरविंद केजरीवाल के एक बहुत बड़ी राजदार रही स्वाति मालीवाल की पिटाई के आरोप में गिरफ्तार हो गए। स्वाति मालीवाल अब दूसरे खेमे में है। स्वाति मालीवाल पर जो आतिशी मार्लेना ने आरोप लगाया कि बीजेपी का किया धरा है। देखिए, असल में क्या है, अरविंद केजरीवाल का पिछले 10-12 साल का इतिहास अगर आप देखेंगे तो ये एक काम ये करते हैं कि ये खोद कर भाग जाते हैं, ये बस छेड़ते हैं कोई भी चीज पर ना, ये झूठ बोलते हैं। जैसे शुरू से जब शीला दीक्षित की सरकार थी दिल्ली में, तो ये 250-400 पन्ने शीला दीक्षित के खिलाफ लेकर घूम रहे थे, सोनिया गांधी के खिलाफ लेकर घूम रहे थे, प्रणब मुखर्जी के खिलाफ लेकर घूम रहे थे, पूरे पूरे मुलायम सिंह यादव के खिलाफ लेकर घूम रहे थे। भाई, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ के कागजात लेकर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और अब अखिलेश यादव के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ये राजनीति इस देश को क्यों पसंद है? आप लोगों को इस तरीके के भ्रष्ट लोग क्यों पसंद है? मेरा सवाल न उन राजनेताओं से है और न उस पुलिस से है, न इनकी अपनी चोर बाजारी से है। अभी इस पूरे प्रकरण में राघव चड्ढा गायब थे, अब वो लंदन से वापस आ गए हैं और आज के बाद वो सीन में आना दिखाई देना शुरू करेंगे। और वो राघव चड्ढा इसलिए वापस आए हैं क्योंकि राघव चड्ढा पर भी ये आरोप लगाया जा रहा था कि इस पूरे चुनाव के दौरान वो अचानक गायब क्यों है, उसकी वजह क्या है। अब जब स्वाति मालीवाल के साथ ये हादसा हुआ, स्वाति मालीवाल वाला जो किस्सा बाहर आया कि जिसमें उनको ये कहा गया कि भाई आप राज्यसभा के सदस्यता से इस्तीफा दीजिए और ये हम अभिषेक मनु सिंघवी को ये पद देना चाहते हैं, और उसके बाद विवाद हुआ, जो खबरें बाहर आई, हो सकता है कि अब राघव चड्ढा को भी ऐसा कहा जाए, या राघव चड्ढा भी अब निशाने पे हो चुके, वो भी सीन से बाहर हैं। ये वही स्वाति मालीवाल हैं जिनके लिए अरविंद केजरीवाल पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़िए रैलियों में, कार्यक्रम में लेडी सिंघम कह चुके हैं, उनको महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया, दो बार बनाया, और उनके लिए लेडी सिंघम रही हैं वो। मैं समझता हूं कि दिल्ली की लेडी सिंघम है ये। भाई, ऐसा क्या हो गया, कौन सी ऐसी घटना घट गई? देखिए, इस मामले को समझिए। जब अरविंद केजरीवाल जेल में गए तो
तो अरविंद केजरीवाल को ये उम्मीद रही होगी कि उनकी राजदार रही स्वाति मालीवाल इस पूरे प्रकरण में सामने आकर के स्टैंड लेंगी। लेकिन स्वाति मालीवाल सीन से बाहर थी। उसके बाद अचानक सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना ने कमान संभाल ली, क्योंकि संजय सिंह भी अंदर थे, मनीष सिसोदिया भी अंदर थे। इन दोनों में मुख्यमंत्री बनने की होड़ लग गई। फिर इन दोनों के पैर पर कतरने थे। जाहिर सी बात है कि जो दूसरे सबसे बड़े राजदार हैं, जो उनके पूर्व पीए विभव कुमार हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं, वो अरविंद केजरीवाल से मिले और उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई कि अरविंद और पूरी पार्टी के में की जो कमान है अरविंद के बाद सुनीता केजरीवाल को दी जानी चाहिए। और विभव के कहने पर अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला लिया और सुनीता केजरीवाल को स्टार प्रचारक के तौर पर आगे किया, ताकि सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना के पर कतरे जाए और उनको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इन्हीं दोनों में कुलाचे मार रही थी इनकी भावनाएं मुख्यमंत्री बनने की। वहां मामला रुका। जब वहां मामला रुका तो फिर बात हुई कि भाई अब स्वाति मालीवाल से पद वापस लिया जाए, क्योंकि अभिषेक मनु सिंह भी इतने दिनों से काम कर रहे हैं, वो अंतरिम जमानत पर बाहर लाए हैं, तो उनको कुछ चढ़ावा चढ़ाया जाए। जाहिर सी बात है कि जब लेडी सिंघम खुद ही कह चुके हैं तो वो महिला इतनी आसानी से तो पद छोड़ने से रही। उसके बाद जो कुछ हुआ सामने आया है। प्रश्न ये नहीं है कि हुआ क्या, सवाल ये है कि इस दलदल इस कीचड़ से पब्लिक को क्या मिल रहा है, जनता को क्या हासिल हो रहा है इन भ्रष्ट नेताओं की इस दलदल से। एक नेता जो आकर के कहता है कि ये तो बहुत हम देश बदलने आए हैं, दुनिया बदलने आए हैं, और एक एक करके सब किसी को लतिया करके बाहर फेंक रहा है। भाई किसको किसको पार्टी से इन्होंने अपने करीबी लोगों को बाहर नहीं किया। कुमार विश्वास को बाहर किया, उसमें योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण खुश हो रहे थे। जब प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को बाउंसर्स ने उठाकर फेंक दिया तो उस वक्त आतिशी मार्लेना खुश रही थी, स्वाति मालीवाल खुश हो रहे थे और सफाई दे रहे थे, आशुतोष खुश हो रहे थे। जब आशुतोष को बाहर कर दिया गया पार्टी से तो अब सौरभ भारद्वाज खुश हो रहे थे। ये सब कुछ किस्सा चल रहा है आज की तारीख में। मैं आज आप लोगों को बता दूं कि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल के इस किस्से के बाद सौरभ भारद्वाज स्टैंड ले रहे हैं या आतिशी मार्लेना बार बार पीसी कर रही हैं, वो अपने आप को बहुत करीब ले जाना चाहती हैं मुख्यमंत्री के। अब वो दिन दूर नहीं कि उनको भी किसी न किसी कारण से हटा करके बाहर फेंका जाएगा। एक और इनकी जो भ्रष्ट नेता रही हैं शाजिया इल्मी, जो भारतीय जनता पार्टी में है, उनके भी बयान आए हैं कि भाई महिलाओं के साथ अभद्रता वो कैसे करते रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब लोग साथ होते हैं तो ये बातें नहीं कहते हैं, उनकी अपनी कुछ जरूरतें होंगी, उसको पूरा हो वो पूरा होती हैं, इसलिए वो पूरी होती हैं जरूरतें, तो आप चुप रहते हैं। एक दूसरा पक्ष एक और है। मीडिया में अरविंद केजरीवाल जितना बड़ा विज्ञापन देते हैं टेलीविजन में अखबारों में, उसका एक प्रभाव साफ साफ दिखता है। कुछ छोटे मोटे चैनल जो स्थानीय रीजनल चैनल्स हैं, चाहे यूपी में चलने वाले हों या मध्य प्रदेश में चलने वाले हों, राजस्थान में चलने वाले हों, पंजाब में चलने वाले, और कुछ राष्ट्रीय चैनल जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी की तरफ से जाता है प्रचार के तौर पर, उनके ओरिएंटेशंस बदल गए हैं। वो ये साबित करने पर जुटे हुए हैं कि विभव कुमार तो ठीक हैं, स्वाति मालीवाल खराब हैं। जब स्वाति मालीवाल खराब हैं तो आज आपको इल्हाम हुआ कि खराब हैं? आप पत्रकारिता कर रहे हैं इतने दिनों से, तो स्वाति मालीवाल खराब है तो पहले क्या स्वाति मालीवाल के खिलाफ या उनकी खराबी पर उनकी बात पर कभी रिपोर्ट की है? जब अभी तक देखिए विभव कुमार के बारे में आपने कहा है नहीं कहा है वो इसलिए तो चल सकता है क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर नहीं है, वो एक पीए है, तो किसी भी मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री के पीए पर कोई स्टोरी बनती नहीं है, उसके बारे में बार बार बात नहीं की जाती है, क्योंकि वो तब तक बात नहीं होती जब तक कि कोई मामला सामने नहीं आए। लेकिन स्वाति मालीवाल तो राज्यसभा की सांसद से पहले विमेन कमीशन की अध्यक्ष रही दिल्ली में, और बहुत सारी घटनाओं में उनको देखा गया प्रोएक्टिव तौर पर काम करते हुए। तो वो अगर खराब थी तो उस पर क्या कभी मीडिया ने एक भी सवाल आज से पहले खड़ा किया था? आज कुछ मीडिया का धड़ा या कुछ पत्रकार तथा कथित बुद्धिजीवी जो सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स इस देश के, वो क्यों खड़ा कर रहे हैं? उनको आज क्यों लग रहा है कि ये जो घटनाएं घटी हैं उसमें स्वाति मालीवाल एक एक्ट कर रही हैं, या स्वाति मालीवाल बीजेपी की तरफ से वो एक कठपुतली हो गई हैं? वो इसलिए लग रहा है क्योंकि मीडिया के इस पूरे धड़े को अरविंद केजरीवाल पोषित करते हैं, और आप जनता मूर्ख हैं, और इसलिए मुफ्तखोरी की आदत डालकर आप लोग इस जैसे लोगों को बढ़ा रहे हैं। ये राजनीतिक दल और ये राजनीतिक दल के नेता
इस देश के लिए कोड हैं। ये बात आपको मैं बार बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं, संभलिएगा तो अपना बचाइएगा, नहीं संभलिएगा तो कल को आप भी इसी की तरह से, आज तो नेता पिट रहे हैं, कल को पब्लिक को भी पीटेगा। उस आदमी को ताकत आने दीजिए, फिर देखिए वो क्या करता है। पूरा 10 साल का तानाशाही का इतिहास देख लीजिए, तानाशाह भी है, परिवारवादी भी है। और कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि वो राष्ट्र निर्माण की बात करता है, तो एक बात मैं आपको बता दूं, रमन मैग्सेसे का इतिहास पढ़ लीजिएगा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जिस जिस को इस देश में मिला है या पूरी दुनिया में मिला है, वो सिर्फ इसलिए मिला है कि इस देश की व्यवस्था के खिलाफ जब जब आवाज उठी है, वैसे ही लोगों को रमन मैग्सेसे मिलता है। इक्का दुक्का लोगों को इस तरीके से वो दे देते हैं कि ताकि उनकी एक क्रेडिबिलिटी बनी रहे। लेकिन रमन मैग्सेसे का पैसा कहां से आता है, और रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति अगर वो कहे कि वो भारतीयता है उसके अंदर भरी हुई है और भारत के बारे में सोचता है, तो वो झूठ बोल रहा है। नमस्कार।